ये हमारे ये बताइए ये रश क्यों हो रहा है सर? ये इलेक्शन हो रहा है, फेस्टिवल ऑफ एडवोकेट है। इलेक्शन में क्या फायदा है? आ जाओ। ये किसलिए हो रहा है? फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन है, एनुअल इलेक्शन, एनुअल फेस्टिवल, द इलेक्शन ऑफ फ्रेंड्स। मतलब इसका बेनिफिट क्या होगा अगर इलेक्शन फेंके तो खाना वाना खाएंगे? बिल्कुल खाएंगे। ये इलेक्शन डे, ये इलेक्शन नर्सरी है इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी। दिस इज द मदर इलेक्शन, मदर इलेक्शन, दिस इज द मदर इलेक्शन बिकॉज द केपी इज द मदर ऑफ ऑल पार्ट। और न सिर्फ बार बल्कि सोसाइटी के लीगल जो इंस्टीट्यूशन है ये उसका भी मदर है। देखिए वोट वोट आप उसको दें जो प्रैक्टिसिंग लॉयर हो। बहुत से एडवोकेट ऐसे हैं जो कि सिर्फ इलेक्शन के लिए आते हैं, लेकिन हमने ऐसे को सिलेक्ट करना है जो प्रैक्टिसिंग लॉयर हो। ये अपना नाम तारुफ करा। मेरा नाम अलीगौर मसरूफ है, मुझे 30 साल हो गए वकालत में। और आप इलेक्शन मैंने पहले वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़ा था क्योंकि मैं 25 वोटों से हारा था। अब कोशिश करें दोबारा जब आप लड़े 225 वोटों से जीत। आप अनाउंस करेंगे मैं आ जाऊँ इंशाल्लाह ताला। आप भी कोई सलाम देना चाहती हैं बहन बेटी? बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरा नाम राबिया अली है और मैं भी प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ और हाई कोर्ट इनरोल्ड हूँ। अच्छा, ठीक है। अब मतलब ये है कि सर यहाँ पर जो एजुकेटेड लोग हैं स्पेशली जो है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिग्रीज होती है जिनके पास, डेफिनेटली उनको मौका नहीं दिया जाता कि वो आगे आएँ और कुछ करें क्योंकि उनके पास एनर्जी भी होती है और न्यू जो है एजुकेशन भी होती है न्यू एरा के हिसाब से। लेकिन बस ये है कि उनको जो है वो उनकी सिर्फ और सिर्फ यू यंग होते हैं इसलिए उनको मौका नहीं मिलता, लेकिन उनको मौका मिलना चाहिए। छोटी बड़ी पोस्ट की बात नहीं होती, बात ये होती है कि जी वहाँ पर जो आ रहा है रिजल्ट ओरिएंटेड काम होना चाहिए। मेरा ये पैगाम है और मैं चाहती हूँ कि सबको ही मौका मिलना चाहिए। इस दफ़ा मैंने बनाया है जो ट्रेजरर पर है, ये प्रैक्टिसिंग लॉयर है, 8 साल से प्रैक्टिस कर रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बाकिरदार लड़का है। तो प्लीज़ इसको वोट दें आप सब।